हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय नर्चर मैं हूं कृष्णा कैसे हैं आप सब लोग मस्त बढ़िया चलो तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना जो लेक्चर नंबर सॉरी चैप्टर नंबर एट है अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट लेक्चर जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज है ना इनकी हमको यहां पर डेफिनेशन पढ़ने के लिए कही गई है सिर्फ ठीक है ना क्या फोकस करना है डेफिनेशन अब डेफिनेशन बोले तो वो देखो यहाँ पर शायद तुम लोगों ने जो बायो वाले बच्चे हैं वो लोग जानते होंगे डेफिनेशन के बारे में जो बायो वाले बच्चे नहीं है वो लोग यहाँ देखते हैं क्या है तो डेफिनेशन है कुछ जिनको हमें केवल क्या कर लेना है याद कर लेना है तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है टाइडल वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम का रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या मतलब है तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड कितना वॉल्यूम हम इंस्पायर करते हैं और निकाल रहे हैं ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन हम साधारण अपना सो रहे हैं बैठे हैं तो नॉर्मल ही कितना वॉल्यूम हम ले लेते हैं और कितना निकाल देते हैं इट इज अप्रोक्स 500 हंड्रेड एम जो नापी गई है वो लगभग कितनी होती है पांच सौ होती है डेट इज अल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली सिक्स थाउजेंड टू एट थाउजेंड एम एल ऑफ एयर पर मिनट है ना लगभग छह लीटर से लीटर एयर नॉर्मली एक मिनट में वो निकाल देता है और ले लेता है ठीक है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिवली इंस्पायरेशन है ना एडिशनल ऐसे मान लो नॉर्मली और अब ताकत से ली मैंने तो इस 500 के अलावा जो एक्स्ट्रा आ रहा है तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर एक्स्ट्रा वॉल्यूम कितना ले सकता है बाय फोर्सिबल जब ताकत से वो लेता है तो लगभग ये ढाई हजार से तीन हजार एम एल एस वैल्यू होती है ना तो डेफिनेशन इनकी हमें फोकस करना है कहाफिनेशन साफ साफ लिखा हुआ हमारे कोर्स में हमको डेफिनेशन पे फोकस करना है देन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यहां पर क्या है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन दिस इज एवरेज हजार से ग्यारह तो देखो यहाँ पर से तीन हजार कितनी भी ताकत लगा लें बाहर हवा निकालने के लिए मैक्सिमम कितनी निकाल देंगे हजार या ग्यारह सो क्यों उससे ज्यादा क्यों नहीं रीजन ये है अगर ज्यादा निकाल दी सारी हवा निकल गई तो बॉडी के अंदर हवा तो बचेगी नहीं यानी ऑक्सीजन होगी नहीं मौत हो जाएगी बेटा ठीक है तो इसीलिए यह हमेशा कभी भी इसके बराबर नहीं आती है ताकत से बहुत ज्यादा हवा निकाल देंगे तो ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी प्रॉब्लम हो जाएगी इसीलिए कितना भी ताकत लगाएं हम मैक्सिमम इतना ही निकाल सकते हैं रेसिड्यूल वॉल्यूम देखो यह है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन हम कितनी भी ताकत से एक्सपायर करें उसके बाद जो हवा रह जाती है वो ग्यारह से बारह सो लंग्स में रहेगी रहेगी अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी क्योंकि लगातार ब्लड वहां से चल रहा है ठीक है उसको ऑक्सीजन चाहिए आगे ले जाने के लिए दिक्कत आएगी अब इन्हीं टर्म्स को मिला करके कुछ नए टर्म्स बनती है हमारे पास बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इनको मिला दिया जाए डिस्क्राइब अब वन कैन डराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटी ठीक है तो देखो यहां पर ये यह क्या है ऊपर ये क्या था बेटा तो यहां पर एक मार्क कर लेना जो मार्क नहीं हुआ है ये क्या है मेरे पास वॉल्यूम्स है ना अपनी हेडिंग में क्या वॉल्यूम्स और नीचे क्या आ रही है अपनी कैपेसिटीज ये सब के सब क्या है कैपेसिटीज है ना हेडिंग बन जाएगी वॉल्यूम की और कैपेसिटीज की अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी तो यहां पर क्या है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना वो इंस्पायर कर सकता है दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये देखो ऐसे याद करोगे टीवी प्लस आई आरवी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना वो एक्सपायर कर सकता है ना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाहर निकाल सकता है आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टीवी प्लस ई आरबी याद रख लोगे लिख लेना आ, ऐसे लिखना आईसी इक्वल टू टीवी प्लस आई आरबी ऐसे आई सी इक्वल टू टीवी प्लस आई आरबी इस तरह से लिख लोगे तो चीजें याद रखना थोड़ी सी आसान हो जाएंगी नेक्स्ट फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी वॉल्यूम ऑफ एयर डेट विल रिमेन इन द लंग्स हवा का वो वॉल्यूम जो लंग्स में रह जाता है आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन नॉर्मल एक्सपायर करें उसके बाद कितना रह जाएगा उसको हम लोग फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहते हैं दिस इंक्लूड ERV प्लस RV ठीक है वाइटल कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी क्या था मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ एक मैक्सिमम वॉल्यूम जो इंसान ब्रीथ कर सकता है आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन बाहर बड़ी तेजी से निकाल दिया ताकत से उसके जो नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहा है ठीक है

टोटल लंग कैपेसिटी ठीक है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स के अंदर टोटल वॉल्यूम कितना आ सकता है एट द एंड ऑफ फोर्स इंसपायरेशन ताकत से जब वो खींचता है हवा को तो उसके बाद कितना वॉल्यूम लंग्स के अंदर आ सकता है ठीक है दिस इंक्लूड आरवी ईआरवी और टीवी एंड आईआरवी और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम तो यहां पर बेटा एकदम से याद नहीं होंगी ये फिर कह रहा हूं ये ऊपर वाली तीन तो जो चार है ये ये वॉल्यूम इजीली याद हो जाएंगे वॉल्यूम इजीली याद हो जाएंगे क्लियर है लेकिन कैपेसिटीज क्योंकि कॉम्बिनेशंस बना हुआ है तो इसको एक एक करके या दो 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 करके याद करना एकदम से एक ही दिन में सारे याद करोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे फिर वो क्या करेगा भूलना लगा रहेगा एक आज किया दो दिन में एक याद करो आज किया सुबह शाम रिवाइज किया फिर इसको सुबह शाम रिवाइज किया एक डिफरेंस देख, देखते रहना इसमें इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है उस तरीके कंपेरेटिव याद करोगे तो जल्दी से याद हो जाएगा बस चार पांच वो थी चार पांच ये है और ये अपना बहुत ही छोटू मोटू सा लेक्चर था ठीक है बहुत छोटा सा डेफिनेशन ही डेफिनेशन थी इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया छोटा सा है ताकि एक ही बार में तुम लोग इसको क्या कर सको समझ सको और याद कर सको ठीक है ना बाद बाकी ये अपना ऐप है ये मेरा नंबर है नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा करना क्या है रिवीजन पढ़ाई करो रिविजन करो बस उसके अलावा कुछ मत करो हाँ बाकी जो अपना काम कर रहे हो खाते पीते वो भी रहो लेकिन समय निकाल के रिवाइज पक्का कर लिया करो ओके करोगे ना गुड ऑल द बेस्ट